हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो प्रेस्टीज कंपनी के इंडक्शन के ऊपर में रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन है जो कस्टमर का कंप्लेन क्या कम गर्म हो रहा है। ओके, अब दोस्तों जो कम गर्म हो रहा है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट को आपको चेक करना है, कौन कौन से कंपोनेंट खराब होगा जिस कारण से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा जो ओनली फॉर प्रैक्टिकल रहेगा। आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इस वीडियो को देखोगे तो आसानी से अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले दोस्तों इसको मैंने सीरीज में यहाँ से सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से ऑन करूँगा और यहाँ से ऑप्शन दूंगा तो यहाँ पहले हमारा मेटल सेंस करेगा। यहाँ पे मेटल सेंस करने के बाद इसको मैं डायरेक्ट करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हीटिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले एम्पियर, हमारा इंडक्शन कितने वाट में चल रहा है, 1100 वाट में चल रहा है, और एम्पियर देख सकते हैं हमको कितना मिल रहा है, 3 एम्पियर मिल रहा है। ओके, लगभग बता दूँ हमको यहाँ पे 5 एम्पियर मिलना चाहिए, 4 से 5 एम्पियर मिलना चाहिए, बट यहाँ पे 3 एम्पियर मिल रहा है। अगर अपने वाटेज को यहाँ से मैं बढ़ाता भी हूँ, मान लो यहाँ पे नॉर्मली 2000 वाट कर रहा हूँ, तभी भी हमारा एम्पियर यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 का 3 ही एम्पियर ले रहा है। 2000 वाट में कम से कम 6 से 7 एम्पियर इसको लेना चाहिए। इस इंडक्शन को रिपेयर करने के लिए आपके पास एम्पियर मीटर बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ऐसा कंप्लेन आता है तो आप एम्पियर देखोगे तो आपको कंफर्म पता चलेगा कि आपका इंडक्शन अगर कम एम्पियर ले रहा होगा तो कम गर्म हो रहा होगा, अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा होगा तो ज़्यादा गर्म होगा, अगर मीडियम एम्पियर ले रहा, मान लो 6 से 7 इसका एम्पियर लेता है, तो आप समझ जाओगे कि हमारा इंडक्शन जो 6 से 7 एम्पियर ले रहा है वो सही काम कर रहा है, सही वर्किंग कर रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसको वीडियो को शुरू करते हैं और प्रैक्टिकली इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कंपोनेंट खराब है। ओके, अब दोस्तों इसमें मान लो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो कौन कौन से कंपोनेंट को चेक करोगे, पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, क्योंकि आपको पहले ओवरऑल जो कंपोनेंट को मैं बताऊंगा वो कंपोनेंट को आपको रिप्लेसमेंट करके देखना है। ओके, तो सबसे पहले होता है प्रीसेट। दोस्तों प्रीसेट से क्या होता है दोस्तों, जो हमारा क्या होता है दोस्तों, IGBT के जो क्या होता है, यहाँ पे गेट की वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, तो इससे क्या होता है एम्पियर कम ज़्यादा यहाँ से होता है। अगर मान लो प्रीसेट को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका एम्पियर बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका एम्पियर कम होगा। ये अलग अलग PCB में रहती है, कोई कोई में जस्ट अपोजिट रहती है। ओके, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको प्रीसेट रिप्लेसमेंट करना है। यहाँ पे प्रीसेट हमेशा 502 का लगा रहता है, यानी समझ लो 5K का प्रीसेट लगा रहता है। ओके, उसके बाद में दोस्तों अगर प्रीसेट बदलने से भी नहीं होता है तो आपको दोनों कैपेसिटर जो यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट का, यहाँ पे 0.33 माइक्रोफैराड 1200 वोल्ट का, ये दोनों कैपेसिटर को आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट क्या होती है दोस्तों, ये हमारा जम्पर होता है। ये जम्पर हमारा जो यहाँ पे IGBT के इमीटर और ब्रिज का नेगेटिव पॉइंट को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि IGBT के इमीटर पे बहुत लोड पड़ता है, यही हमारा स्विचिंग करता है, तो ये जम्पर के माध्यम से IGBT को इमीटर को करंट जाता है, तो जम्पर पे लोड पड़ता है, तो जम्पर को वहाँ पे देख सकते हैं कि डिसोल्डिंग तो नहीं होगी, अगर डिसोल्डिंग होती है तो इसको अच्छे से रिसोल्डिंग करना पड़ेगा आपको। ओके दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों होता है हमारा, समझ लो यहाँ पे क्वाइल का इनपुट हो गया और एक क्वाइल का आउटपुट हो गया, ये दोनों पॉइंट से रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। दोस्तों क्वाइल का इनपुट पॉइंट से यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है 470K का। ओके, यहाँ पे इनपुट वाला पॉइंट से हो गया, और दोस्तों क्वाइल के आउटपुट पॉइंट से यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हैं जो सीरीज में लगे हैं, 270K फिर यहाँ पे 270K, ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद दोस्तों अगर नहीं होता है तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सेक्शन को चेक करेंगे। अब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सेक्शन में आपको रेजिस्टेंस नहीं चेक करना है, ये रेजिस्टेंस चेक नहीं करना है, ट्रांजिस्टर चेक नहीं करना है, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेक करना है, क्योंकि यहाँ का जो क्वाइल का इनपुट और क्वाइल का आउटपुट यहाँ पे सिग्नल आता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का सिग्नल यहीं से निकलता है, प्रीसेट का सिग्नल यहीं से आता है, क्योंकि मेन हमारा IGBT कंट्रोलिंग कार्ड इसको बोल सकते हैं, ड्राइवर कार्ड भी बोल सकते हैं, इसके अंदर में यहाँ पे SMD में LM339IC लगी रहती है। ओके, अब दोस्तों क्या होगा, लास्ट मेरा यही बचा है, मैं इस प्रॉब्लम को पहले करके देख चुका हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम को क्रिएट किया हूँ कि आप लोग के पास भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप लोग भी समझे करो। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ पे ड्राइवर हो गया, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो गया। ओके, अब दोस्तों ये ड्राइवर IC बहुत कम ऐसे प्रॉब्लम होता है, मैंने पहली बार ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ देखा है कि ड्राइवर IC अगर मान लो यहाँ पे काम नहीं करेगी तो आपका एम्पियर कम लेगा, तो मैंने प्रॉब्लम को फिर से यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप भी स्टेप बाय स्टेप प्रीसेट, कैपेसिटर, जम्पर, रेजिस्टेंस, ये सबको ढूंढने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। मैंने पहले माइक्रो कंट्रोल IC को कंफर्म कर लिया था, उसके बाद इसको मैंने रिप्लेसमेंट करके देखा तो यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, बट यहाँ से मैं प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया हूँ, फिर आपको यहाँ पे देख के बताऊंगा और इसको रिपेयर करने की भी एक टेक्निक मैं ढूंढूंगा जो आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हो, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों ये जो हमारा ड्राइवर कार्ड हो गया, ये दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगा है,
है, इसमें आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे 104 का पीएफ लगा है, 221 का पीएफ लगा है, यहाँ से देख सकते हैं इस साइड से, तो यहाँ पे एक LM339 ड्राइवर आईसी लगा हुआ है, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक डायोड लगा है जो फास्ट डायोड होता है। अब दोस्तों बात करना हो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे पास आईसी अवेलेबल नहीं है। अगर आईसी अवेलेबल हो जाएगा तो इसको रिपेयर करेंगे और आपका प्रैक्टिकली करके बताएंगे। मैं इसको फेंकूंगा नहीं, मैं आईसी यहाँ से मंगा लिया, मेरे पास आईसी अवेलेबल हो जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर में SMD पैकेज में, तो यहाँ पे आईसी लगा देंगे। आईसी लगाने के बाद अगर चालू नहीं हो तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल करते रहेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। रेजिस्टेंस को लोग को मैंने एक एक करके चेक कर लिया है, सभी रेजिस्टेंस सही है, पीएफ को भी चेक कर लिया है, ये फास्ट डायोड को भी चेक कर लिया है, यहाँ पे भी इस साइड में जितने कंपनी लगे सबको चेक कर लिया है। वोल्टेज की इसकी डाटा शीट बताऊँ तो आपको यहाँ पे 5 वोल्ट आता है, 18 वोल्ट आ रहा है, जितने सारे वोल्ट यहाँ पे लिखे रहते हैं सभी वोल्टेज यहाँ पे सेम आ रहे हैं। तो मेरे को लास्ट यहाँ पे ऑप्शन मिला आईसी का, तो दोस्तों अभी आईसी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, सेम कार्ड से मैंने निकाला है, ये मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होती है, ओके। ये क्या होता है, पुराना पीसीबी से निकालते हैं। और आपको बताया तो दोस्तों यहाँ पे नोट कर लेना, अगर मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है, बहुत कोई वीडियो देखने के बाद दोस्तों मेरे पास कॉल करने लगता है व्हाट्सएप का, सर अवेलेबल है कि मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है, जिस दिन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा उस दिन आपको अपडेट कर दूंगा कि मेरे पास एक कंपोनेंट अवेलेबल हो गया। और नॉर्मली दोस्तों इसमें जो LM300 SMD IC है अवेलेबल हो जाएगी, वो भी आपको बता दूंगा। अब दोस्तों इसको एक बार लगाता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरा एम्पियर जो होता है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ओके। अब दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ड्राइवर आईसी को लगा दिया। दोस्तों ये ड्राइवर आईसी को लगाने के बाद दोस्तों आप बोलोगे सर इसका डेटा शीट दो, तो इसका डेटा शीट भी आपको एक वीडियो में दे दिया हूँ जिसका लिंक मैं नीचे में दे दूंगा। प्रेस्टीज कंपनी के इंडक्शन बनाए थे जो E9 आ रहा था, ओके। एक कॉइल का इनपुट और कॉइल का आउटपुट का डेटा शीट आपको दे दिया। अब दोस्तों बात करने वाला है दोस्तों जो LM339 IC है, इसका वर्किंग यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन का काम करेगा और वो क्या करेगा, हमारे IGBT को यहाँ पे गेट को कंट्रोल करने का काम करेगा। और यहाँ पे जो कॉइल का इनपुट और का आउटपुट सिग्नल जाता है इसी पल्स विद मॉड्यूलेशन जो LM339 IC है इसी में जाता है, ओके। अब दोस्तों इसको मैं लगा दिया, अब लगाने के बाद दोस्तों यहां चेक करता हूं, पहले मेरा लो एम्पियर ले रहा था, अब दोस्तों यहां पे देखेंगे कि मेरा एम्पियर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ओके। अब दोस्तों यहां से क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद दोस्तों यहां से ऑप्शन देंगे। दोस्तों पहले आपको बताया था जो हमारा 1100 वाट में इंडक्शन 3 एम्पियर ले रहा था, अब चेक करेंगे दोस्तों कि 1100 वाट में कितना एम्पियर ले रहा है। हम 2000 वाट में चेक कर रहे थे तभी भी हमारा इंडक्शन 3 एम्पियर ले रहा था, अब 2000 वाट में हमको बताया था कि 6 से 7 एम्पियर लेता है, अधिकतम 8 एम्पियर लेगा, ओके। अब दोस्तों इसके ऊपर मेटल रखता हूं और यहां पे एम्पियर पर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि हमारा एम्पियर ऑलरेडी बढ़ गया, हमारा इंडक्शन कितना एम्पियर लेने लगा, यहां पे देख सकते हैं 4.7 एम्पियर ले रहा है, ओके। तो कितने वाट में ले रहा है दोस्तों, 1100 वाट में 4.7 एम्पियर ले रहा है। अब जैसे जैसे वाट को यहां पे बढ़ाऊंगा दोस्तों वैसे वैसे हमारा एम्पियर यहां पे बढ़ेगा, हमारा एम्पियर यहां पे 6 से 7 एम्पियर जाएगा, अधिकतम 8 एम्पियर जाएगा, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना, जो हमारे आप हैंड में देख रहे हो ड्राइवर आईसी देख रहे हो, ये ड्राइवर आईसी बहुत कम खराब होता है। मैंने लगभग मैं बहुत सारे इंडक्शन प्रेस्टीज की इस मॉडल का रिपेयर किया, बट दोस्तों आज तक मैंने 2 प्रॉब्लम पाया है। पहले एक प्रॉब्लम पाया था E9 की प्रॉब्लम थी, ओके। ये दूसरी बार मैंने प्रॉब्लम पाया था लो हीटिंग हो रही थी इसके नाम से। अब दोस्तों इसके अंदर में जो LM339 IC है, मेरे को 90% चांस है कि यही खराब होगा। आप मेरे को कमेंट में बताना दोस्तों कि इसमें और कौन सी कंपोनेंट खराब हो जाएगी। दोस्तों अभी मेरे पास SMD पैकेज में आईसी अवेलेबल नहीं है, SMD में आईसी मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा तो इसके ऊपर वीडियो जरूर बताऊंगा, लेकिन आप मेरे को कमेंट में बताना कि सर इसके टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं, ओके। अगर दोस्तों आपका वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। जो भी आपको दिक्कत जाती है दोस्तों तो कमेंट में बताएंगे तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा, कुछ अगर मान लो मेरे से मिस्टेक होता है उसको भी मैं सुधारूंगा, ओके दोस्तों। तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, मैं राज। तो दोस्तों अगर आपको मान लो कि घर बैठे इंडक्शन का कंपोनेंट चाहिए, आपको मार्केट में इंडक्शन का कंपोनेंट नहीं मिल रहा है और ओरिजिनल कंपोनेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नीचे में तो लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्ट लिंक से जाके आप वहाँ पे जा सकते हो, या आपको क्या करना पड़ेगा गूगल खोलो, गूगल खोलने के बाद दोस्तों वहाँ पे RajIndukshan.com को सर्च करो। जैसे ही वहाँ पे RajIndukshan.com सर्च करोगे तो वहाँ पे मेरा एक वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट खुलने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे जाना है, शॉप नेम में जाना है, शॉप नेम में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडक्शन का आपको कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएगा, कंपोनेंट के साथ साथ में कौन से कंपोनेंट की क्या प्राइस है वहां पे साइड में आपको लिखा मिल जाएगा और कितनी पीस आपको मंगानी है वो भी आपको मिल जाएगा। ऊपर से IGBT शुरू करेंगे, IGBT से लेके समझ लो हमारे पास ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, PF, SMD में ट्रांजिस्टर, बहुत ऐसे इंडक्शन के कंपोनेंट लगभग मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अगर मान लो यहां पे बात करेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो कि मेरे पास रेजिस्टेंस पूरी कॉम्बो पैक में अवेलेबल है। रेजिस्टेंस की बात करूंगा दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस जो है जैसे 200 के कुछ रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल है जो कॉपर में है और रेजिस्टेंस थोड़ा कॉस्टली आता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी रेजिस्टेंस मिल जाएगी, 1 वाट में रेजिस्टेंस पूरी मिलेगी, 1/2 वाट की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अगर मान लो दोस्तों आपको ऑर्डर करना है
कैसे ऑर्डर करेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा कंपोनेंट है, क्या क्या प्राइस चल रहा है, उसको क्या करना है, अपने कॉपी पेन में नोट कर लेना है या आपको व्हाट्सएप में टाइप कर लेना है कि मेरे को IGBT 10 पीस चाहिए, इसका रेट भी आप देख सकते हो इतना है, जो जो कंपोनेंट आपको चाहिए उसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ओनली फॉर, आपको व्हाट्सएप कर देना है, मेरे में सेंड कर देना है। दोस्तों आपको हाथ जोड़ के विनती करूँ कि आप व्हाट्सएप करने के बाद 6 घंटे कम से कम वेट करो, हो सकता है आपको तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए, ऐसा 6 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। वहां पे दोस्तों एक बिल सेंड करूंगा, बिल को वहां पे चेक कर सकते हो, और बिल सेंड करने के बाद दोस्तों अगर आपको मान लो मेरे ऊपर भरोसा है तो आपको पैसा पहले पे करना पड़ेगा। नीचे में मेरा बिल के नीचे में अकाउंट नंबर होगा, फोन पे गूगल पे नंबर होगा, वहां पे पैसा पे करने के बाद दोस्तों वहां पे नीचे में लिखा हुआ है कि पैसा पे करने के बाद में दोस्तों आपको 24 घंटे के अंदर में आपका सामान जो होगा डिस्पैच कर दिया जाएगा और 10 से 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर में आपके घर तक पहुंच जाएगा जो आप एड्रेस मेरे को दिए रहोगे। दोस्तों कंपोनेंट को आप बहुत कोई मेरे से मंगाता है, आप एक बार मेरे से मंगा के यूज करो, ट्राई करो, अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो। दोस्तों मेरे से लगभग बात करूं कि जो मेरा कंपोनेंट है ऑल इंडिया से मंगाते हैं, अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास है तो कंपोनेंट पहले आप मंगा लो पैसा पे करके, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 दिन के अंदर में आपको घर तक कंपोनेंट पहुंच जाएगा और कंपोनेंट को चेक कर लेना, क्वालिटी अच्छी रहेगी। और दोस्तों मेरे वीडियो से मान लो कुछ भी नया सीखे हो तो मेरे को विश्वास जरूर करना। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए दिल से धन्यवाद, मैं राज।